अरे अरे अरे, इनके 90% सारे भ्रष्ट नेता हैं, सारे भ्रष्ट इनके मंत्री हैं। इस देश का जो शासक है अनपढ़ है, चौथी पास है। रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें हमारा मौलिक अधिकार है। उनकी सरकार है, उसके मालिक है। बस इसका बाप द्रोगा से क्या दिक्कत है? एक दलित की बेटी को वहाँ पर उन्होंने शूद्र समझने की प्रयास किया गया है। विपक्ष एकजुट होगी, निश्चित तौर से विपक्ष होगा, क्यों? चौथी पास इस राजा से लोग परेशान हैं। यहाँ के दलितों और शूद्रों को सम्मान नहीं देते, मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मान नहीं देते, ओबीसी के समाज को लोगों को सम्मान नहीं देते। दलित की बेटी को हमने यहाँ पर राष्ट्रपति तो बनाया है, लेकिन उसको सम्मान के लिए नहीं बनाया। यदि हमारी सरकार बनती तो देश से पहले ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट हम सबसे खत्म करेंगे। हम कैसे हटा सकते हैं? एलजी पास नहीं करता, एलजी हमारी सरकार को नहीं चलने दे रहा है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने यहाँ के नेताओं को ये सबक सिखा दिया। पूरे देश की जनता रोडों पर दिखाई देगी, या तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो। मेरे साथ गोकुलपुर के जो है विधायक है, हम इनसे बात करेंगे कि चौथी पास राजा की कहानी वो बार बार सुना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? इस देश का जो शासक है अनपढ़ है, चौथी पास है। इस संदेश को देने के लिए पूरे देश की जनता को ये बताने का उन्होंने प्रक्रिया किया है कि वो निश्चित तौर से इस देश की जनता जाने कि इस देश में केवल चौथी पास जो राजा है उसको समझ नहीं है कि किस तरह देश की सरकार को चलाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कभी 2000 का नोट चालू करते हैं, कभी उसको खत्म करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आज देश के गरीब लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, तमाम लोग आज परेशान है। वो तो दिल्ली सरकार में भी परेशान है सर, दिल्ली सरकार से ही परेशान है वो। माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ जनता के पास अगर आप जाएंगे तो 200 यूनिट आपने फ्री की बात कही है, तमाम लोग, कुछ लोगों के पास जा नहीं पाता, पहुंच नहीं पा रहा है। निश्चित तौर से प्रत्येक घर, सबके घर 200 यूनिट फ्री देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने कहा जो देश के संविधान में हमारा अधिकार है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें हमारा मौलिक अधिकार है। इस देश का पहला नेता, इस देश का पहला मुख्यमंत्री, इस देश की प्रदेश में चालू करने का। अभी लाखों लोग देख रही हैं और हम इनसे बात करेंगे कि सावा डेरी की आपने बात सुनी होगी, माफ कीजिएगा इस मुद्दे से लेकिन अलग है, लेकिन मुझे लगा कि आप, क्योंकि आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो सावा डेरी में वहाँ पे साक्षी की हत्या हुई और वहाँ पे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं है सर। पहुँचा कहने की प्रक्रिया में कोई कमी रह गई होगी, उसके लिए हमारे विधायक आदरणीय हमारे उपकार जी उस काम को कर रहे हैं, उसमें पहल करी हुई है, वो निश्चित मिलने का काम किया। गंदगी भी वहाँ बहुत है, पानी की भी कमी वहाँ बहुत है। पानी की कमी को निजात दिया भी हमारे सोमनाथ भारती पूरे प्रदेश के लिए जो पानी का काम कर रहे हैं। मेरे भी पानी की कमी थी, लेकिन पानी की कमी पूर्ति करने का काम किया गया। जो 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 केंद्र की सरकार है उससे तमाम लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म हमारा पच रहा है जब से प्रधानमंत्री आए। इस देश में धर्म और दल मजहब की यदि राजनीति की जाएगी, इस देश में आम आदमी पार्टी केवल विकास की राजनीति करने के लिए आई है। आप तो कह रहे हैं जाति में विश्वास नहीं करते, लेकिन आज से 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था हम बनिया व्यापारी व्यापार करना जानते हैं, ये उन्हीं का तो करते हैं। ऐसा व्यापार कौन सा, सरकार के साथ व्यापार करने थोड़ी, आप देखो कितने काम किए उन्होंने यहाँ पर। इस देश की जनता आज 70% वोट जो आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है, जिस क्षेत्र से मैं जीत के आया हूँ उसमें मुझे 68% वोट उस क्षेत्र की जनता ने देने का काम किया है। क्या विपक्ष बोल रहे हैं विपक्ष एकजुट होगा तो ये सरकार को हराया जा सकता है, क्या विपक्ष एकजुट होगी? निश्चित तौर से विपक्ष होगा, क्यों? चौथी पास इस राजा से लोग परेशान हैं, राजा परेशान की उनकी गतिविधियां, जहां विपक्ष में सरकार चल रही है सब पर निश्चित तौर से किसी पे ईडी का, किसी पे सीबीआई का, किसी पर पुलिस का तांडव चलाने का काम किया जा रहा है। तो बीजेपी सरकार में कोई ऐसा भ्रष्ट नेता है ही नहीं, दूसरे पार्टियों में है तो उस पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। अरे अरे अरे, इनके 90% सारे भ्रष्ट नेता हैं, सारे भ्रष्ट इनके मंत्री हैं, भ्रष्ट इनके एमपी हैं, भ्रष्ट इनके विधायक हैं, तमाम उनके सारे भ्रष्टाचार, वो खुद भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ रुपए देकर अपने सह पार्टियों को बाहर करने का काम करते हैं। उनके यहाँ ईडीसीबीआई क्यों नहीं जा रही? उनकी सरकार है, उसके मालिक हैं। बस इसका बाप द्रोगा से क्या दिक्कत है? उसका बाप द्रोगा तो उसे क्या दिक्कत है? संविधान से, कानून से नहीं चलेगा ये देश, तो हिंदू धर्म के नाम से चला जा रहा है, मनुस्मृति संविधान के तहत चलाना चाहते हैं। आपने अभी सांसद में देखा वहाँ उन्होंने धार्मिक स्थल को बनाने का काम किया है,
तमाम ऋषियों मुनियों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन वहाँ सम्मान क्या मतलब? ये देश तो संविधान का है, संविधान चलाने वालों का है, और ये देश निश्चित तौर से इस देश संविधान के तहत चलना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, नए संसद भवन में जिस तरीके से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और सेंगोल की स्थापना की गई, इस पे आप क्या कहेंगे? सेंगोल पूरा देश जान रहा है कि एक दलित की बेटी को वहाँ पर उन्होंने शूद्र समझने की प्रयास किया गया है। उसके हाथ से यदि मोहरत हो जाता तो पूरा का पूरा संसद क्या हो जाता? छुआछूत हो जाता। और जैसा जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं बेबाकी से, उसी तरीके से मेरे दिमाग में और सवाल आ रहे हैं। जब निर्भया का कांड हुआ था 2012 में, तो उनके यहाँ पे बाद में करोड़ों के रुपए दिए गए उनको आर्थिक मदद के रूप में, लेकिन जब दलित परिवार की बात आती है, साक्षी गौतम की बात आती है, तो उसके पास एक रुपए की भी फंडिंग नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि इस देश में पहले से ये लोग जो रहे थे आर्य लोग थे, अरे लोग दूर से यहाँ के बचे, इन्होंने हमेशा छल कपट की राजनीति करी। अब भी वो छल कपट की बात करना चाहते हैं, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ के दलितों और शूद्रों को सम्मान नहीं देते, मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मान नहीं देते, ओबीसी के समाज को लोगों को सम्मान नहीं देते। यदि इन लोगों को यूज करते हैं तो राजनीति के यूज करने का काम करते हैं। एक संदेश तो देते हैं कि हम दलित की बेटी को हमने यहाँ पर राष्ट्रपति तो बनाया है, लेकिन उसको सम्मान के लिए नहीं बनाया। आज देश की एक व्यक्ति, एक नागरिक इस तरफ को देख रहा है कि निश्चित तौर से इस भारत देश में इस संविधान का अत्याचार शोषण करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं इस देश में वो राजा चाहिए इस देश की दिशा दे सके, इसकी रक्षा कर सके, इसकी हिफाजत कर सके, मिले मौलिक अधिकार उनको लागू कर सके। आप लोग यहाँ पे आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश है, जो इन्होंने एक अध्यादेश लागू कर दिया, उसके खिलाफ में आप आए हैं। आज पूरे देश की जनता तो नहीं आई यहाँ पर, कल उत्तर प्रदेश वो तो समर्थक हमारे आए, हमने किसी को नहीं बुलाया यहाँ पर। यहाँ अधिकतर 99% जनता दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, जो निश्चित तौर से इनकी कार्यशैली से परेशान है। अध्यादेश जो लेकर आए, आज तमाम हमारी 450 फाइल LG के पास पड़ी है, होम मिनिस्ट्री के पास पड़ी है, उनको करते नहीं है। अब देखो हमारे सिविल डिफेंस के लोग 7,000 उन लोगों की आज भी तनख्वाह नहीं मिल पाई, 6 महीने उनके रुके हैं। हमारे जो मोहल्ला किले में डॉक्टर बैठे थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे वहाँ नर्सिंग होम की जो हमारी महिला थी जो काम करती हैं स्टाफ, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जनता का सवाल है, जब जंतर मंतर पे जनता आती है तो केंद्र की भी शिकायत और जो ये केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ की भी शिकायत लेके आती है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाली हो रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? इस पे आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? ठेकेदारी प्रथा को हमारे सीएम साहब चाहते हैं ठेकेदारी हो। अभी आपने देखा होगा बंद हो, आपने देखा होगा अभी पंजाब में आपने देखा, वहाँ तमाम कोई कॉन्ट्रैक्ट पर तो नहीं लगा, सबको सरकारी नौकरी देने का काम पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने देने का काम। इसी तरह हम देश में यदि हमारी सरकार बनती तो देश से पहले ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट हम सबसे खत्म करेंगे। दिल्ली से तो हटाइए सर पहले। हम कैसे हटा सकते हैं? LG पास नहीं करता। अभी हमने तमाम यहाँ 4,000 वैकेंसी की बात करी टीचर बनने के, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट गैस टीचर वहाँ से हट जाए तो नए बच्चों को हम उन लोगों को लिया जाए। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, LG हमारी सरकार को नहीं चलने दे रहा है। निश्चित तौर से कहता है सरकार मेरे हाथ में, तमाम अधिकारियों को बुलाता है, अपनी हमारी तमाम कैबिनेट को बुलाने का काम करता है, अपने जितने सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी सबको बुलाना है। कि जिस तरीके से LG को चलाया था, जैसे कि सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, हो सकता है ये LG भी परेशान हो, कि आपको लग रहा है किसी दिन खुलासा कुछ करेंगे? खुलासा तो उनके गुजरात में FIR लॉज होगी, आप जानती हैं, सब जानते हैं FIR लॉज हो गई है, कोई ना कोई तो कांड हुआ, और निश्चित तौर से सच की जीत होगी। राहुल गांधी के लिए क्या? आज राहुल गांधी जी अपने लिए काम कर रहे हैं, भला देश की जनता के लिए काम करें, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम करें, इस देश की जनता के लिए काम करें। इस देश का पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने यहाँ के नेताओं को ये सबक सिखा दिया। आज जो अभी वहाँ सरकार बनी है तो उन्होंने भी अब बिजली फ्री की बात करने का काम किया, उन्होंने भी अब बस चलाने की बात करी है। कहाँ से शुरुआत है? आम आदमी पार्टी की नेता अरविंद केजरीवाल ने देश को एक संदेश दिया कि हम सब कुछ दे सकते हैं। ये भ्रष्टाचार अनाने को हजारों करोड़ रुपए देते हैं। आज यहाँ पे तमाम विधायक जन सैलाब यहाँ पे दिल्ली के रामलीला में मौजूद था, क्या ये जो जन सैलाब है जो आपके मुद्दे हैं, इसको आगे ले जाने की जो है जो प्रक्रिया है उसमें संभव हो पाएगा? अभी हमारे नेता ने कहा, अरविंद हमारे आदरणीय संजय सिंह ने कहा, इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सांसद तक लड़ने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से पूरे देश की जनता रोडों पर दिखाई देगी। या तो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो निश्चित तौर से हम निश्चित
धरातल से बैठकर अपने तमाम आंदोलन चलाकर भूख हड़ताल पर बैठकर इस देश की जनता के लिए हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे हैं और विधायक, एमपी, एमएलए और सबसे जो आम आदमी पार्टी का जो कंसेप्ट है आम आदमी, अगर आपको हम सड़क पे ले जाएंगे अभी दिखाएंगे कि कितने लोग जन सैलाब यहाँ पे रामलीला मैदान में उमड़ा हुआ था। इन लोगों की हालांकि कुछ मांगे थी, एक बार पोस्टर पे अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो दिख पाएगा आप लोगों को कि अध्यादेश वापस लो और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको खारिज करके केंद्र सरकार ने अपना एक अध्यादेश लागू कर दिया है, नया कानून बना दिया है। लेकिन जो आपने, आपको मैंने तस्वीर दिखाया, उसे आपको क्या लग रहा है, जो अध्यादेश है उसको खारिज करने का काम कर पाएगी दिल्ली सरकार? आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।